ओके मोहम्मद अमीन साहब, जो ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना जायज है आज के इस दौर में? क्या वापस हम फिर से क्या बैलेट पेपर के दौर में हम जा सकते हैं? क्योंकि उस दौर में भी हमने देखा कितनी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग की कितनी घटनाएं सामने आती थी, उसी से निपटने के लिए ईवीएम की व्यवस्था लाई गई, 100% वीवीपैट की जो मांग की जा रही है, मैं समझना चाहूंगी पूरे सिस्टम को। पूजा जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि मैं पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं हूँ, मैं पूर्व संयुक्त निदेशक हूँ चुनाव आयोग का जी। नंबर एक, मेरे पोस्ट करेक्शन करिए। नंबर एक, जो आपने सवाल पूछा है उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बात है कि लोग दुनिया आगे जा रही है और हमारे देश के जो नेतागण हैं, जो देश का भविष्य है, वो पीछे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए कि बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ करते थे, ये सबको दिखा है, रिकॉर्ड में है कि बैलेट बक्से लेके भाग जाते थे, आधे घंटे के अंदर वो वोट छापते थे, वोट डालते नहीं थे, वोट को छापते थे, आज शाम के टाइम में मिल जाते थे सारे उनके एजेंट्स और छापते थे और छाप के डब्बे को भर देते थे। यानी अगर आधा घंटा उनको मिल जाता था तो 1000 से 2000 वोट बैलेट पे छाप के वो अंदर डाल देते थे, ये था उनका कहना। और जब चाह उन्होंने बैलेट लूट लिया, जब चाह हमारे पोलिंग वालों को मारा पीटा। इसकी बात को रोकने के लिए कि इस तरह की बातें ना हो पाए, किस तरह से रोका जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने विचार किया। विचार करने के बाद सारी पार्टियों से संपर्क भी किया गया, उनको बुलाया। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। गया उनके सामने ईवीएम लागू करने की बात रखी गई, दिखाया गया एक्सपर्टीज को, एक्सपर्ट्स ने उनको दिखाया और बताया कि साहब ये इस तरह चलेगी, ये होगा। सबकी सहमति के बाद अगर ईवीएम आई है तो ईवीएम को अब क्यों इस तरह की बात की जाती है? अब एलन मस्क की बात, चाहे राजीव जी अभी ने मेंशन किया था और इसको उन्होंने भी मेंशन किया है, राहुल गांधी और हमारे अखिलेश ने। लेकिन देखिए, आप सबसे पहले आप देखिए कि ये जो चीजें हैं पहले हैं कैसी। उन्होंने कहा होगा अपने कंट्री के बारे में, एलन मस्क हमारे देश में ना तो हमारे यहाँ कानून चलाते हैं, ना हमारे यहाँ मशीनें चलाते हैं, ना हमारे यहाँ चुनाव कराते हैं। होंगे बहुत बड़े काबिल आदमी, इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन वो हमारे देश की से ज्यादा काबिल नहीं हो सकते। आज देखा जाए तो हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। दुनिया में काम कर रहे हैं और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब ये मशीन शुरू की गई थी उसी वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो ईवीएम मशीन है वो इंटरनेट से न जोड़ी जाए। क्यों? क्योंकि वो हैक हो सकती है। इनको कितनी बार बताया जाए, मैं कितने चैनल से बोल चुका हूँ, ये ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेटर की तरह है, बैटरी ऑपरेटेड है, इसके अंदर पीछे सेल पड़ा हुआ है, बैटरी पड़ी हुई है। उंगली मत उठाई, पहले सुनिए हमारी बात को। और सबको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, रैंडमली चेक कराई जाती है, जिस दिन वोट होता है रैंडमली चेक होती है। कोई भी आप उठा लीजिए मशीन, उसमें आप देखिए और इसका पीछे सेल हटा दिए, कुछ नहीं बचा। जैसे कैलकुलेटर होता है उसमें 1 और 1 2 होता है, 1 और 11 नहीं होता, इसी तरह से ईवीएम मशीन है। आप समझने की कोशिश करिए। और आप लोग जो आज कह रहे हैं, पहले ममता बनर्जी ने कहा, उसके बाद अखिलेश जी ने कहा, उसके बाद कांग्रेस ने कहा, कई बार कहा कांग्रेस के नेताओं ने, और इससे पहले बीजेपी ने भी कहा। बीजेपी ने छोड़ा नहीं है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि एम्पायर है, एम्पायर को तो कहा ही जाएगा जब हारेंगे कि बेईमानी कर रहा है एम्पायर। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई एक मशीन नहीं है। लेकिन पूर्व में हमने देखा है मोहम्मद अमीन साहब, खुद चुनाव अधिकारी भी कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं, और आई एम श्योर वो आपके भी जहन में होगी। किस चुनाव अधिकारी ने कहा मुझे बताइए? नहीं, सवाल कोर्ट मत करिए मैडम पूजा जी, ना कभी नहीं कहा किसी चुनाव अधिकारी ने जो चुनाव कराता है, ये हैक हो सकती है। इसके लिए सारे पार्टी के लीडर बुलाए गए थे, याद होगा आपको, ऑन रिकॉर्ड जाइए, और कोई नहीं आया। किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, 1-2 के 1-1 आदमी आए थे, और जो क्लेम कर रहे थे वो भी नहीं आए। तो महाराष्ट्र का जो किस्सा सामने आया है कि ओटीपी से अनलॉक किया गया ईवीएम को, अब फिर मैं बता दूं ओटीपी है कहां पे, जो आएगा वहां पे। जहां तक मैंने भी चुनाव कराया है, मैंने भी काउंटिंग कराई है, सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कराते हैं बैलेट पेपर्स की, जो आते हैं हमारे पास वोट डाक से आते हैं,
डाक के मतपत्र गिने जाते हैं, जिसमें कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने कि चुनाव की प्रक्रिया में भाग ना लिया हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि जितने लीडर बैठे हैं हर पार्टी का, ये बताए कि क्या कभी उसने भाग लिया है और किस तरह की बात है। सबसे पहले उनको ईवीएम दिखाई जाती है, ईवीएम दिखाने के बाद उनसे सर्टिफिकेशन लिया जाता है कि हमने सही पाई है, कि चुनाव है उसको रखा जाता है। कहां से उसमें ओटीपी आ गया और किस बात का ओटीपी आ गया? ठीक है।